बरसाने में गुलाब सखी नाम के एक महान मुसलमान भक्त हुए। जी हाँ, ये थे तो मुसलमान लेकिन राधा रानी के बड़े अनन्य भक्त थे। इनकी राधा नाम की ही एक बेटी थी। ये सारंगी बजाते थे और इनकी बेटी बड़ा सुंदर श्री जी के सामने नृत्य किया करती थी। जब वो बड़ी हो गई तो वह ससुराल चली गई। ससुराल जाते ही इनकी हालत बिगड़ गई। ये हमेशा उसके विरह में व्याकुल रहते। 3 दिन तक इन्होंने जल और भोजन कुछ भी नहीं किया। सभी बरसाने वाले सोचने लगे कहीं बाबा पागल ना हो जाए। तभी 3रे दिन एक आश्चर्यमय घटना होती है। राधा रानी उसके बेटे का स्वरूप रख के इनके सामने आती है और बोलती है, बाबा बाबा तुम सारंगी बजाओ, मैं नाचूंगी। ये अपनी बेटी को देखकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे ही इन्होंने सारंगी बजाई, राधा रानी बड़ा सुंदर नृत्य करने लगती हैं। अपनी बेटी का इतना सुंदर नृत्य और विशेष रूप से नूपुरों की झंकार सुन करके इनके हृदय में तो एक विशेष आनंद आ गया और ये तो मानो भाव राज्य में ही चले गए। तभी राधा रानी अपने मंदिर में वापस जाने लगती हैं। ये पीछे पीछे भागे कि बेटी कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो। जैसे ही राधा रानी मंदिर के अंदर गई और ये भी इनके पीछे पीछे वहीं पर समा गए। उस दिन के बाद से किसी ने भी गुलाब सखी को नहीं देखा। कुछ दिनों के बाद में गोसाई जो लोग रहते हैं उनके स्वप्न में आते हैं और कहते हैं, मैं भगवान के श्री राधा कृष्ण की नित्य सेवा में चली गई हूँ और मुझे वहाँ पर सारंगी बजाने की सेवा मिली है। मैं राधा कृष्ण के लिए नित्य सारंगी बजाती हूँ और वो लोग नित्य आनंद से नृत्य करते हैं, आनंदित रहते हैं। इस प्रकार से एक मुसलमान को भी राधा रानी ने अपनी सेवा में स्वीकार किया।